मर्जी कर लें। दुनिया में हमारे दुश्मनों में आप देखें, हमारे साथ मुल्क में कोर्ट क्या हो रही है। खबर इसकी कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट नहीं हो रही, ये खबर कोर्ट हो रही है। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, हां आप इस हुकूमत को नफरत की निगाह से देखते हैं, हां आप चाहते हैं ये कल चली जाए, खुदा के लिए इस इशू पे लेट अस रिस्टोर सैनिटी इन दिस कंट्री। मिलिट्री जो चाहती है, क्योंकि मिलिट्री हैज बीन पुट इन द डॉक रॉन्गली, पर गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जिस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर के एक से ज्यादा दफा मुझे अकेले में कि जो सर जो भी कल भी था, जो भी इसके पीछे है उसको मंतकी अंजाम पर ले जाना जरूरी है। सो लेट्स वर्क टूगेदर, द मीडिया, द पॉलिटिशियंस, द मिलिट्री, ऑल ऑफ अस, कि हम कोशिश करें कि एक तो मंत्री ये कौन शख्स है जिसने ये की है और लीक की है, और दूसरा हम बिला वजह इस वक्त काइट फ्लाइंग ना करें, क्योंकि वो पूरे केस को कंफ्यूज पॉलिटिसाइज करेगा। और इस चीज पे पूरी कौम को मुतफिक होना चाहिए, और मुतफिक है कि इसके पीछे जो भी हाथ है या जो भी जहन है उसको एक्सपोज होना चाहिए। मेरी ये कंसिडर्ड व्यू है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर इसको पॉलिटिसाइज करना, इसको तरह तरह के इसके जाविये निकालना, ये इस केस को खराब करने के मुतरादिफ है। इस कमेटी में चंद और नाम आने हैं, इसका जो हेड होगा वो, कुछ और नाम, ये फुल फ्लेज कमेटी होगी। इतना बड़ा काम है तो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी तो नहीं करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर कल आज वापस आ जाएंगे, तो कल इस पर मुलाकात करके हम नामों को अपनी शक्ल देंगे और फिर इस केस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। मेरी तवक्को से जरा लंबी 15 मिनट बात होगी, मैं अगली बात मुख्तसर करता हूं। आप सबकी ख्वाहिश के बावजूद धरने के हवाले से मैं मीडिया के सामने नहीं आया, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी करता रहा, और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी एसओपीज में शामिल नहीं है वजारत दाखिला के हवाले से, ये मेरे कानून, पाकिस्तान के कानून और आईन में शामिल है। ये इस्लामाबाद कोर्ट के गुज़श्ता कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के हवाले से वाज़ह है, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब ने जब ये केस अभी चंद दिन पहले उनके सामने आया तो उन्हें कहा अभी सुप्रीम कोर्ट को इसको देखने का वक्त नहीं है, फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने आपके अखबारों में पढ़ा उनके बयान, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स की प्रोटेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुबतौर वजीर दाखला मेरी जिम्मेदारी थी, धरने के वक्त भी मैंने ये पूरी कोशिश की कि एक तरफ ये जिम्मेदारी पूरी हो पिछले धरने 2014 में, दूसरी तरफ सियासी जो एक्टिविटी है जो कि वो भी कानूनी हक है हर एक का, उसमें भी कोई कदगन ना पड़े। और यही वजह है कि बड़े घन गरज से कादरी साहब भी आए और इमरान खान साहब भी आए, लाहौर से आए यहां तक पहुंचे, मामला तय हुआ, कादरी साहब का जलसा कहां होगा, इमरान खान साहब का जलसा कहां होगा, ये उसे आगे बढ़ते गए। जब रोका तो खान साहब का मुझे एक पैगाम सिम मैसेज आया, उनके अल्फाज थे कि यू हैव माई सॉलम कमिटमेंट, ये रिकॉर्डेड है, कि मरगला इस तक हमें आगे जाने दें, हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। मैंने उसमें इत्मीनान किया,
उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और तकरीबन चार महीने इस्लामाबाद नहीं था बल्कि एक जलसागा था। जो कुछ हुआ मैं उस तफसीर में नहीं जाना चाहता। इस दफा मुख्तलिफ था। मैंने एक मुश्तरका दोस्त से इमरान मेरी, अब वो आमना सामना होते तो सलाम दुआ होती है, वैसे इंटरेक्शन नहीं है खान साहब से, मगर एक पीटीआई का दोस्त मुझे मिल गया तो मैंने उन्हें कहा कि इमरान खान को ये कहें कि जहां मेरी जिम्मेदारी आ जाती है वो मुझे पूरी करनी होती है। और वो जिम्मेदारी ये है कि मैं जहां एक तरफ ये इंश्योर करूं कि पीटीआई की और बाकी सियासी पार्टियों की फंडामेंटल राइट टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग वो प्रोटेक्ट हो, वहां मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद के बच्चे स्कूल जाते रहें, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मरीज खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल का रास्ता बंद ना हो, यह भी मेरी जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बल्कि जहां जहां मेरा दायरा कार है वहां के शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में कोई खलल ना पड़े। यह भी मेरी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के दफ्तर और ऐवान खुले रहें। यह भी मेरी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की अदालतें खुली रहें, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुला रहे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह खुला रहेगा, पाकिस्तान का हाई कोर्ट खुला रहे इंशाल्लाह खुला रहेगा। तो उस हवाले से मैंने बैक चैनल्स में ये कोशिश की कि मामला इफहाम और तफहीम से हल हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने किसी एक पॉलिटिकल गैदरिंग पे पाबंदी नहीं लगाई। और आपको याद है कि जब धरना था, जब इनके चंद 50-60 बंदे रह गए थे, तब भी हमने इनको वहां से नहीं उठाया। मुझ पर बहुत प्रेशर था कि जी अब तो बंदे ही कोई नहीं है, इनको तो 10 पुलिस वाले उठा सकते, फिर भी नहीं उठाया, जब तक ये खुद नहीं उठे। और बड़ी अभी पीछे हमने हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक वाजा कर दिया है, ये आइडेंटिफाई कर दिया है एक पब्लिक गैदरिंग के लिए एक जगह जी, मगर पीटीआई की तरफ से आया, मैं लंदन जा रहा था, की तरफ से आया कि हमने एफएड पार्क में करना है। मैंने हुकूमत से नहीं पूछा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनको करने की इजाजत दी। हालांकि मैं समझता हूं कि पार्क्स जैसे करने के लिए नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता था कि तलखी हो। इस वक्त जो पैगाम आया वो ये है कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने चले हैं, गोया आप एक न्यूक्लियर पावर न भी हो, मगर न्यूक्लियर पावर का एक इमेज है पूरी दुनिया में। न्यूक्लियर पावर की दहशत होती है हमारे दुश्मनों में, न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत से हमारा मुकाम है। तो मुझे सिर्फ यह बताएं, जो भी हमारे मुखालफीन है, किसकी भी मुखालफीन है, कि चलें इस हुकूमत पे तो प्रेशर पड़ जाएगा, ये हुकूमत तो शायद इस पता नहीं बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। जब ये एक दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का कैपिटल लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, उसके सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, उसके स्कूल, उसके सब कुछ बंद हो गया, इसका पाकिस्तान का इमेज दूसरे दुनिया में क्या होगा? ये सिर्फ मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, ये तहल कादरी साहब का पाकिस्तान है, ये जरदारी साहब का पाकिस्तान है, ये सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कैपिटल को लॉकडाउन करने से गवर्नमेंट की बदनामी बाद में होगी, इस मुल्क की बदनामी पहले होगी। कि ये कैसा मुल्क है
कि एक जत्था आता है, एक जत्था, और वो कैपिटल को लॉकडाउन कर देता है और कहता है कि आप ये नहीं करेंगे तो हम यहां से नहीं उठेंगे और दफ्तर बंद कर देंगे। और प्लान इस तरफ क्या है, इस तरफ प्लान पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाना है और किसी को वहां नहीं घुसने देना, ये जिसे हम पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो चंद दिन बाद वो भी आपके सामने पेश कर देंगे जो इस सिलसिले में है, मगर कत नजर इसके कि सेक्रेटेरिएट हो, ये जगह हो या पार्लियामेंट हो। मुझे बताएं कि एक कहे कि खुदा ना खास्ता मेरा इरादा है कि फलां गांव में जाकर फलां एड्रेस में फलां का कत्ल कर दूंगा, तो हुकूमत का, सोसाइटी का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का क्या काम है टू प्रिवेंट दैट क्राइम फ्रॉम टेकिंग प्लेस। लॉकडाउन ऑफ द कैपिटल इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट अ क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो क्या हम खामोश रहते? हां, पिछले 9 साल से मैं वजाहत नहीं कर रहा,